नमस्कार, मैं सौम्य तिवारी आज आप सभी के सामने। इस समय जो भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले साल से ज्यादा बढ़ रहा है, समय की तरह मृत्यु के केसेस भी बढ़ रहे हैं। जो भारत देश में आपातकालीन स्थिति आई हुई है, हम सबको इस पे मिलजुल कर लड़ना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कुछ काम पड़े तभी अपने घर से निकलिए। जब निकलिए तो मास्क प्रॉपर लगा के जाइए, नाक के ऊपर से, ये नहीं कि गर्दन में लटका लिया, मुंह में लटका लिया, सर पे मास्क रख लिया, आंखों पे लगा लिया। खेल मजाक नहीं है ये कोई, ये आपकी आपसे आपकी जान भी ले सकता है। और कुछ भी वस्तु लेते टाइम, सामान जब आप ले लेते उसके बाद आप सैनिटाइजर का यूज करिए और अपने आप की रक्षा करिए इस वायरस से। इस कोरोना वायरस पे मैंने एक कविता लिखी है जिसका मैं आप सभी के सामने वर्णन करना चाहूंगी। आप भी अपना ध्यान दीजिएगा। इस कविता मैंने जो पिछले साल से इस समय तक स्थिति होती आई है, लोग इससे पीड़ित हैं, मैंने उसी का वर्णन किया है, तो आप अपना ध्यान दीजिएगा। इस कविता का नाम है एक छोटा सा वायरस। एक छोटा सा वायरस जिसे हम अपनी नंगी आंखों से भी देख नहीं सकते, आज उसने पूरी पृथ्वी पे त्राही माम मचा रखा है। गिन गिन के लाशों का काफिला निकाल रखा है। पूरे देश विदेश इससे जूझ रहा है। जिसे अपनी नंगी आंखों से भी देख नहीं सकते, उसने तो पता नहीं कितनों की आंखों में आंसुओं का समुद्र खोद रखा है। गिन गिन के पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ बना रखा है। बात करें भारत देश की तो बड़ी से बड़ी तकनीकी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को हिला रखा है। उस छोटे से वायरस ने तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन को सुनकर भीड़ अपने घर को ऐसे निकली, वायरस का खौफ कब भुखमरी से लड़ने अपने घर को निकली। वायरस को फैलाने में हमने अपना पूरा योगदान दिया है, कुछ तो लापरवाही कुछ तो मजबूरी का नाम दिया है। अनेक औरतों ने अपना सुहाग खोया, अनेक बच्चों ने अपने माता पिता का साया खोया, अनेक लोगों ने अपने चाहने वालों को खोया। डॉक्टर, पुलिस कर्मी, फ्रंट लाइन वॉरियर ने अपना फर्ज पूरा निभाया, लेकिन इन नेताओं ने रैलियों से कोरोना वायरस खूब फैलाया। जान जाए तो जाए, लेकिन इनका प्रचार कम ना हो पाए। लाश जले तो जले, लेकिन इनके वोट कम ना पड़े। जब अपने पास ऑक्सीजन और पानी का आसमान से समुद्र था, तब हमने अपनी नासमझ खुशियों के लिए इसका दुरुपयोग किया। अब अपना किया हुआ अपने सामने आ रहा है। शमशान में लाशों का ढेर लग रहा है। लाश जलाने की जगह एक के ऊपर एक जलाया जा रहा है। जिस बच्चे ने कभी जिंदगी का बोझ अकेले अपने कंधे पे न उठाया, उस बच्चे ने आज अकेले अपने बाप की लाश अपने कंधे पे उठाया है। एक छोटे से वायरस ने पूरे पृथ्वी पे त्राही माम मचा रखा है। जब तक ये जाएगा, पता नहीं न जाने कितने अपनों को लेके जाएगा, पता नहीं कितने आंखों में आंसू छोड़कर जाएगा। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करें। लापरवाही ना करें जो बाद में जाके आपकी मजबूरियां बने। तो जितना ही कम हो आप लोगों से मिलना जुलना कम करें। और जो इसके ऊपर लेके मजाक बना रहे हैं या कोरोना वायरस को समझते नहीं, तो उसको उसके बारे में थोड़ा समझाएं। तो आप सभी से विनती है, इस पे ध्यान दीजिए। और उदाहरण देना चाहूंगी मैं, जैसे इन राजनेताओं को अपनी सत्ता प्यारी है, अपनी गद्दी प्यारी है, रैलियां करवा रहे हैं बिना आपकी जान की परवाह किए बगैर। पहले उस जो हमारा पहला राउंड वैक्सीन का निकला था, इनमें तो इनकी वैक्सीन लग गई नेताओं की, लेकिन अभी हमारी नहीं लगी है। तो आप ध्यान दीजिए और इनकी रैलियों में ना जाके, चुनाव प्रचार ना करके अपने घर पे रहिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और जैसे उनको अपनी सत्ता प्यारी है, वैसे आपको अपना परिवार प्यारा होना चाहिए। और इस कोरोना वायरस से लड़ने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें। ये बात मैं आपको बार बार अपने वीडियो में कह रही हूँ, तो कृपया करके आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं विनती करती हूँ कि आप इसको, जिसको नहीं पता उसको बताइए और कोरोना वायरस को कम करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।